हेलो फ्रेंड्स, व्रत वाली जीरा आलू की रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत वाली जीरा आलू। तो फ्रेंड्स, इसको आप भी एक बार ट्राई करें और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख पा रहे हैं हमारी व्रत वाली जीरा आलू कितनी अच्छी है। बस इसको फ्रेंड्स व्रत में खाया जा सकता है चाय के साथ। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया एक कढ़ाई, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ना ऐड करें, क्योंकि हमें यहाँ व्रत में खाना है। और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे सफ़ा धुला हुआ जीरा ले लिया, जिसको हमने अच्छे से धुल के सफ़ा करके सुखवा लिया था। यहाँ पे हम लेंगे 2 हरे मिर्च, जिनको हमने बारीक टुकड़ों में काटा है। अब हम इनको अच्छे से पकाएंगे। हमारे जीरा और मिर्च पक गए हैं। अब हम यहाँ पे शिमला मिर्च 1 कटा हुआ बारीक टुकड़ों में ऐड करेंगे, जिसको हमने बारीक करके काट लिया है। इनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। अब यहाँ पे हमने 250 ग्राम आलू उबाल के छील के अच्छे से काट के पीसेस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इनको ऐड करेंगे और चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इनको चलाएंगे। और उसके बाद हम आगे का जो भी मसाला होगा इसमें ऐड करेंगे। मसाले हमको यहाँ पे नहीं ऐड करने हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सेंधा नमक। फ्रेंड जी हाँ, यहाँ पे कोई और इंग्रेडिएंट्स हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें व्रत में खाना है। यहाँ पे हम सेंधा नमक यूज करेंगे। और घर पे पिसा हुआ अगर आपके धनिया है तो आप धनिया ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बाज़ार का पिसा हुआ धनिया बिल्कुल ना ऐड करें, उसमें मिलावट होती है। इसलिए जो भी चीज़ें हैं घर की शुद्ध सफ़ा ही ऐड करें, क्योंकि हमें यहाँ व्रत में खाना है। हमने यहाँ पे सेंधा नमक यूज किया है। अच्छी तरह से चलाएंगे। और हमने यहाँ पे घर में लाल मिर्च पीस के रखी है। 1/2 टेबल स्पून हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिसको हमने घर में सफ़ा करके पीस लिया था। अब इसको एक बार चला लेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे और पका लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, बाज़ार की कोई भी चीज़ जिसमें जैसे कि पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च बिल्कुल भी ना ऐड करें। उनमें पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है, जिससे हमको व्रत में खाना है और व्रत में काफ़ी शुद्ध चीज़ें खाई जाती है। हमारी जीरा आलू पक कर के तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ पे कटा हुआ धनिया हम फ्रेश ऐड करेंगे, अच्छी तरह से धुल के सफ़ा कर लिया था। अब हम इसको सर्व करेंगे। हमारी व्रत वाली जीरा आलू बन कर के तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमको बताना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।